तो दोस्तों, अगर आप इस टाइम पर अंडर 15,000 रुपए के प्राइस में एक अच्छा सा 5G फोन खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट 5G फोन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पर आपको काफी कमाल का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और काफी अच्छा कैमरा सेटअप लगा हुआ है, जहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं सिंगल स्किल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में टोटल 5 फोन है और सबकी जो रैंकिंग है बाई परफॉर्मेंस है। स्टार्ट करेंगे नंबर 5 से, धीरे धीरे करके नंबर 1 तक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखना, इससे आपको ये पता चलेगा कि किस फोन में कौन सा फीचर्स है और कौन सा फोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉन चाइनीज फोन से, जो कि दोस्तों नंबर 5 पे आता है, जो है दोस्तों सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। और दोस्तों, ये कंप्लीट 5G फोन है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे 5G के बैंड देखने को मिल जाएंगे और इस फोन में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो विदाउट अनाउंसमेंट। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो इस फोन में आपको कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है और यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज हुआ है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। इसके साथ यहाँ पर आपको 8.4mm की थिकनेस देखने को मिल जाएगी और 198g वेट है, यानी कि दोस्तों फोन थोड़ा सा भारी देखने को मिल सकता है। इसके साथ इस फोन में आपको मिलेगा साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर, डेडिकेटेड स्लॉट है, यानी कि 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, सिंगल स्पीकर है और स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। और इसके साथ दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 के साथ विद सैमसंग वन यूआई 4.1। 2 साल तक आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिल जाएगा और सैमसंग का सॉफ्टवेयर है तो आप लोग को पता है कि काफी सिंपल और काफी क्लीन होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों और अब बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस वाली TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों वी नोच के साथ आता है। यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और 600 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है और साथ ही यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दी गई है, लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है थोड़ी सी पुरानी है, बट दोस्तों सच बताऊं तो सैमसंग के डिस्प्ले काफी अच्छे होते हैं। इसके साथ बात करें इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरे का स्लॉट, जहां पर 50 का मेन कैमरा सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है और फ्रंट साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यहां पर दोस्तों, इस फोन का जो बैक कैमरा है 4K सपोर्टेड है, यानी कि इस फोन के बैक कैमरे से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps तक और सेल्फी कैमरे से 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps तक। यहां पर दोस्तों, जो बैक कैमरा है वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है और यहां पर जो सेल्फी कैमरा है वो डिसेंट बोल सकते हैं, यानी कि ठीक-ठाक वर्क कर लेता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों स्नैपड्रैगन का 750G का 5G प्रोसेसर, जो कि दोस्तों 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। साथ ही ये 8nm का प्रोसेसर है और यहाँ पर आपको 3 लाख के आसपास अंतोतु स्कोर देखने को मिल जाएगा। LPDDR4X का रैम दिया गया है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है और दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है दोस्तों 6GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट। बाकी दोस्तों, यहाँ पर नॉक्स सिक्योरिटी का भी फीचर्स मिल जाता है, जो कि सैमसंग का एक अच्छा सिक्योर फोल्डर होता है। और यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है डेली यूज के। लेकिन दोस्तों, इस फोन का GPU उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसमें आप हाई लेवल वाली गेमिंग नहीं कर सकते हो, नॉर्मल टू मीडियम गेमिंग आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के बैटरी की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5000mAh की एक अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन फोन के अंदर में कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता है। ये दोस्तों काफी गलत बात है, सैमसंग जो है एप्पल की तरह करने लग रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों, ये जो फोन है 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि अच्छी बात है और आप अलग से चार्जर खरीद सकते हो इस फोन के साथ ही, जो कि 300 रुपए के आसपास आपको डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों, इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों ठीक है बट थोड़ा पुराना हो चुका है। इसके साथ बॉक्स के अंदर में आपको चार्जर भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जहाँ पर आपको काफी अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिले, ऑटो कॉल रिकॉर्ड करता हो बिना भजन सुनाए हुए, 5G का काफी तगड़ा सपोर्ट हो, डेली यूज के लिए काफी पावरफुल प्रोसेसर लगा हो, कैमरा और बैटरी बैकअप दोनों ही काफी अच्छे मिल जाते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस फोन को परचेज कर सकते हो। दोस्तों प्राइस की बात करें तो ये फोन आपको 4GB प्लस 128GB के साथ 15,999 रुपए में देखने को मिलेगा, 6GB प्लस 128GB के साथ 16,999 रुपए में देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों बढ़ा हुआ है। 1,000 से 1,500 रुपए का डिस्काउंट किसी भी ऑफर में आपको देखने को मिल जाएगा और इस फोन को आप 15,000 रुपए के प्राइस में परचेज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे आता है पोको का पोको M4 Pro 5G। और दोस्तों ये जो फोन है बिल्कुल ही सिमिलर फोन है Redmi Note 11T 5G जैसा, तो दोनों में से किसी भी फोन को आप परचेज कर सकते हो, लेकिन इस फोन पर काफी तगड़ा डिस्काउंट मिलता है। 15,000 से 19,000 रुपए प्राइस है फोन का, लेकिन डिस्काउंट में ये फोन 12,500 रुपए तक चला। और एक बार नहीं दोस्तों, काफी टाइम जो है इस फोन का प्राइस डाउन ही रहता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो पूरी की पूरी जो बॉडी है पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है और डिजाइन यहाँ पर सबसे अलग देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों पोको के जितने भी डिजाइन है वो लगभग अलग
ही होते हैं जिसे हम फंकी लुक बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 8.8mm की थिकनेस दी गई है और 195g का वेट देखने को मिल जाता है और साथ ही IP52 रेटेड भी है, यानी कि थोड़ा बहुत पानी का बूंद इसमें चला जाएगा तो ये फ़ोन खुद को बचा लेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के अदर फीचर्स की, तो साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है यानी कि एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, डुअल स्पीकर है दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छा है, डबल स्पीकर मिल जाता है और साउंड यहाँ पर डिसेंट टाइप का देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ये फोन आता है दोस्तों एंड्रॉइड 11 के साथ विद MIUI 12.5 और दोस्तों यहाँ पर आपको 2 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को भी मिल जाएगा और देखा जाए दोस्तों तो MIUI 13 का अपडेट भी आ चुका है। बात करें दोस्तों इस फोन के मेन फीचर्स की, तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है और गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले जो है AMOLED नहीं है बट दोस्तों IPS डिस्प्ले है और काफी अच्छा डिस्प्ले आपको मिल जाता है। इसके साथ इस फोन के कैमरे की बात करें दोस्तों तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा डुअल कैमरे का सेटअप, जहाँ पर 50 megapixel का मेन कैमरा सेंसर है, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल है और बाकी दोस्तों कोई भी कैमरा नहीं है, सब फेक है। और फ्रंट साइड में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस फोन के बैक साइड से आप 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60fps तक और सेल्फी कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप 1080p की 30fps तक। यहाँ पर दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस बोल सकते हो आप ठीक ठाक है, एक एवरेज टाइप का कैमरा आपको मिल जाता है। आगे चलते हैं बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि दोस्तों प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलेगा MediaTek Dimensity का 810 वाला 5G प्रोसेसर जो कि दोस्तों 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है, 6nm पे बेस्ड है यानी कि पावर इफिशियंट है, बैटरी कंजप्शन कम होगी। इसके साथ 3,50,000 के आसपास अंतर तो स्कोर मिल जाता है, LPDDR4X का रैम मिल जाएगा, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा और दोस्तों इस फोन में आपको 3GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट भी मिल जाता है और वेपर कूलिंग सिस्टम भी है जो कि फोन को हीट होने से बचाता है। ओवरऑल दोस्तों इस फोन में आपको काफी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, इसमें आप गेमिंग वगैरह सब काफी अच्छे कर सकते हैं नॉर्मल टू हाई सेटिंग के साथ। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और 33W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 1 घंटे के आसपास ये फोन चार्ज हो जाता है और 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी मेजर कॉन्स देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भी दोस्तों कैमरा जो है नॉर्मल सा है, थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था। बाकी दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि पोको का हो, जो कि 5G सपोर्टेड हो और ठीक ठाक डिस्प्ले मिल जाता है, परफॉर्मेंस काफी तगड़ा हो गेमिंग के लिए और अच्छा बैटरी बैकअप और चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता हो तो इस फोन को आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। बात करें दोस्तों इस फोन के प्राइस की, तो ये फोन आपको 4G प्लस 64GB के साथ 15,000 रुपये में देखने को मिलेगा, 6 प्लस 128GB के साथ 17,000 रुपये और 8 प्लस 128GB के साथ 19,000 रुपये, लेकिन दोस्तों डिस्काउंट में ये फोन काफी सस्ता हो जाता है, 12,500 रुपये, 14,500 रुपये, 16,000 रुपये, ऐसा दिख जाए तो आप इसको परचेज कर लेना, नहीं दिखे तो थोड़ा सा वेट कर लो, ऑफर तो आने ही वाला है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे आता है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 12 5G जो कि दोस्तों अभी जस्ट हाल ही में लॉन्च हुआ है, नया फोन है और यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा 5G सपोर्ट देखने को मिल जाता है क्योंकि 12 5G बैंड के साथ ये फोन आता है। यहाँ पर दोस्तों डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट की बॉडी दी गई है और काफी अच्छा मैट फिनिशिंग मिल जाता है, ऊपर से दोस्तों 8mm की थिकनेस दी गई है और 186g है, यानी कि फोन थोड़ा पतला है और थोड़ा हल्का। इसके साथ ये फोन आता है साइड माउंट वाले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, डेडिकेटेड स्लॉट है यानी कि 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, डुअल स्पीकर है विद DTS ट्यूनिंग जो कि दोस्तों काफी लाउड है। यहाँ पर ये फोन आता है दोस्तों एंड्रॉइड 12 के साथ विद XOS 10.6। तो ये है दोस्तों इसके बेसिक फीचर्स, बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की, तो इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि यू नोच के साथ आता है, साथ ही यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, गेमिंग के लिए गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है और 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले AMOLED है, बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है, लेकिन दोस्तों 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो थोड़ा कम है, थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस फोन के कैमरे की बात करें तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा डुअल कैमरे का सेटअप, यानी कि 2 कैमरे लगे हैं, जहां पर 50 megapixel का मेन कैमरा सेंसर है जो कि सैमसंग का है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है और बाकी दोस्तों एक AI लेंस दिया गया है। इसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इन दोनों ही कैमरे से, बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 2K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps। और साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको वीडियो बोके मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। डेफिनेटली दोस्तों इन्फिनिक्स के इस फोन का जो कैमरा है वो काफी अच्छा वर्क करता है। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं अब इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की। तो ये फोन आता है दोस्तों MediaTek Dimensity के 810 वाले प्रोसेसर के साथ जो कि 5G सपोर्टेड है और यहाँ पर आपको 12 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 6nm पे बेस्ड है यानी कि पावर इफिशियंट है, बैटरी कम यूज करेगा, 3,80,000 के आसपास इस फोन का अंतर स्कोर रहता है, LPDDR4X का रैम मिल जाएगा, 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है और दोस्तों ये जो फोन है ये भी 3GB तक रैम एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है। यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस इस फोन में काफी तगड़ा मिल जाएगा, 18 का जो प्रोसेसर होता है उसमें आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो, BGMI 40fps+ पर गेमिंग कर सकते हो।
यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है फोन के साथ। एक घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा और एक दिन तक आराम से इस फोन को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 60Hz का डिस्प्ले में स्टैंडर्ड रिफ्रेश मिल जाता है, जो कि दोस्तों थोड़ा कम है यार, 90 या फिर 120Hz तो होना ही चाहिए था। बाकी दोस्तों डिस्प्ले AMOLED है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि 180Hz का गेमिंग के लिए टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। बाकी दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जहाँ पर आपको काफी अच्छा 5G सपोर्ट मिले, AMOLED डिस्प्ले हो, परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा सेटअप, मतलब कि दोस्तों सारे ही फीचर्स अच्छे हो सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट को छोड़कर, तो इस फोन को आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। बात करें दोस्तों इस फोन के प्राइस, तो ये फोन आपको 6GB प्लस 64GB के साथ 15,999 रुपए में देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों एक ही वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है और इस पर भी आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो किसी भी ऑफर में आप इस फोन को 15,000 रुपए के रेंज में परचेज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे आता है एक सेल्फी सेंट्रिक फोन, जो कि थोड़ा पतला और थोड़ा हल्का भी है, मेरे हिसाब से आपने गेस कर लिया होगा, ओप्पो वीवो में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो फोन है वो है दोस्तों वीवो का Vivo T1 5G, जो कि दोस्तों नंबर 2 पे आता है। और दोस्तों इसी के जैसा वीवो ने एक और फोन लॉन्च किया है, नाम है दोस्तों IQ G6 5G। तो अगर आपको कैमरे में बहुत सारे फीचर चाहिए तो Vivo T1 5G को लेना, अगर आपको गेमिंग में बहुत सारे फीचर चाहिए तो IQ G6 5G को लेना। यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं हम Vivo T1 5G के बारे में। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक की बॉडी दी गई है, प्लास्टिक का फ्रेम है, लेकिन काफी अच्छा गुड लुकिंग फोन है। 8.2mm की थिकनेस दी गई है और 187g वेट। इसके साथ इस फोन में आपको मिलेगा साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, सिंगल स्पीकर है लेकिन स्पीकर की क्वालिटी ठीक दी गई है। साथ ही दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 के साथ, जहां पर आपको फन टच 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इस फोन में आपको एंड्रॉइड का 2 ईयर तक मेजर अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों और आप बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.58 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विथ वाटर ड्रॉप नॉच। यहाँ पर आपको 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है, 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टील IPS डिस्प्ले मिलता है, AMOLED नहीं है, लेकिन डिस्प्ले बहुत ही तगड़ा है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा इस डिस्प्ले के साथ। इसके साथ दोस्तों कैमरे की बात करें तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरे का स्लॉट, 50MP का मेन कैमरा सेंसर है और 2-2MP का डेप्थ और मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, और फ्रंट साइड में आपको मिलता है 16MP का सेल्फी कैमरा। दोस्तों इस फोन के बैक साइड से आप 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60fps पर, और सेल्फी कैमरे से 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps पर। यहाँ पर दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिल जाती है, खास करके जो वीवो का सेल्फी कैमरा है वो काफी अच्छा वर्क करता है। इसके साथ दोस्तों आगे चलते हैं और आप बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों स्नैपड्रैगन का 695 वाला 5G प्रोसेसर, जो कि 2 5G बैंड के साथ आता है, जो कि दोस्तों थोड़ा सा कम है, बट जो 5G बैंड आपको मिलते हैं वो काफ़ी सफिशियंट है, क्योंकि जो होना चाहिए था इंडिया में वो आपको 5G बैंड मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये भी एक काफ़ी पावर इफिशियंट प्रोसेसर है, क्योंकि 6nm के साथ आता है, 410,000 के आसपास इस फोन का अंतत स्कोर रहता है, LPDDR4X का रैम मिल जाएगा, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा, और दोस्तों इसमें भी आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिल जाएगा, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया गया है, लिक्विड कूलिंग फीचर्स के साथ आता है और इसमें भी आप गेमिंग वगैरह सब काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, 40fps गेमिंग चलेगा, लेकिन दोस्तों गेमिंग के मामले में यहाँ पर आपको जायरो डिले देखने को मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखना। आगे दोस्तों बात करें इस फोन के बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों 18W का चार्जिंग मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम है यार, 30W का तो होना ही चाहिए था मेरे हिसाब से। ओवरऑल दोस्तों इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको केवल 2 ही 5G बैंड देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों ठीक है, जो होना चाहिए था वो आपको मिल जाता है, सफिशियंट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 18W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि वीवो की तरफ से हो और काफी अच्छे डिजाइन के साथ आता हो, प्रोसेसर काफी तगड़ा हो और कैमरा सेटअप काफी अच्छा हो, खास करके सेल्फी कैमरा, तो इस फोन को आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। बात करें दोस्तों इस फोन के प्राइस की, तो ये फोन आपको 4+128GB के साथ 15,999 रुपए में देखने को मिलेगा, 6GB+128GB के साथ 16,999 रुपए में देखने को मिलेगा, 8+128GB के साथ 19,999 रुपए में देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस फोन पर आपको 1000 से 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और दोस्तों इस फोन के बेस वेरिएंट को आप किसी भी ऑफर में 15,000 रुपए के अंडर के प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों आप बात करेंगे हम इस सीरीज के आखिरी फोन के बारे में, जो कि नंबर 1 पे आता है, जो है दोस्तों मोटो का Moto G71 5G। और दोस्तों ये जो फोन है दोस्तों ट्रूली 5G फोन है, 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, और दूसरी बात ये है कि ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, इसमें आपको कोई भी एड्स या फिर कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, और प्रोसेसर भी काफी तगड़ा दिया गया है इस फोन के साथ। यहाँ पर दोस्तों डिजाइन की बात करें तो कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, 8.5mm की थिकनेस दी गई है और 179g वेट है, यानी कि फोन जो है थोड़ा हल्का है, IP52 रेटेड है, यानी कि थोड़े बहुत
लगाने के बुन से ये फोन खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों मोटो के फोन में ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन डिजाइन यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि दोस्तों थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, सिंगल स्पीकर है लेकिन स्पीकर की क्वालिटी अच्छी दी गई है इस फोन के साथ। डुअल नैनो सिम है लेकिन दोस्तों इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो, ये आप बात ध्यान में रखें। बाकी इस फोन में आपको मिलेगा थिंक सील की सिक्योरिटी जो कि आपके फोन को सिक्योर करता है वायरस एंड थेफ्ट से। और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 के साथ विद माई यूएक्स। और दोस्तों यहाँ पर मोटो ने प्रॉमिस किया है कि इस फोन के साथ आपको 2 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे इसके बेसिक फीचर्स। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो यहाँ पर भी दोस्तों रिफ्रेश रेट थोड़ा सा कम मिलता है, 90 या फिर 120 हर्ट्ज होना चाहिए था, फिर भी दोस्तों डिस्प्ले एमोलेड है तो काफी अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है इस फोन के साथ। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरे का स्लॉट, जहाँ पर 50 MP का मेन कैमरा सेंसर है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और 2 MP का मैक्रो कैमरा, और फ्रंट साइड में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस फोन के बैक साइड से आप 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60fps तक और 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps तक सेल्फी कैमरे के साथ। यहाँ पर दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, एक नॉर्मल से कैमरा इस फोन के साथ मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो तगड़ी चीज है वो है इसका प्रोसेसर, इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 695 वाला 5G प्रोसेसर जो कि दोस्तों 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है। ये भी दोस्तों 6 nm पे बेस्ट है, पावर एफिशिएंट है, 3,90,000 के आसपास इस फोन का अंतत स्कोर रहता है, LPDDR4X का रैम मिल जाएगा, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन में भी आप रैम एक्सपेंशन कर सकते हो, लिक्विड कूलिंग फीचर्स मिल जाता है 40fps प्लस पर ये जो गेम रन कर लेगा BGMI को। बाकी दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलता है, काफी स्टेबल है क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और 33 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लगभग दोस्तों 1 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाएगा और आराम से 1 से 1.5 दिन तक ये फोन चल जाता है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है और यहाँ पर आपको काफी स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो कि दोस्तों नॉर्मल सा है, बाकी एमोलेड डिस्प्ले मिलता है तो ठीक बात है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सपेंड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई भी अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, ये बात आप ध्यान में रखना फोन परचेज करने से पहले। और यहाँ पर जो कैमरा दोस्तों वो ठीक ठाक है, एक डिसेंट टाइप का कैमरा है, मतलब बहुत ही अच्छा कैमरा तो नहीं मिलता है लेकिन डिसेंट टाइप का कैमरा मिल जाता है इस फोन के साथ। बाकी दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि ट्रूली 5G फोन हो, बहुत ही तगड़ा 5G सपोर्ट मिले और स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए, पावरफुल प्रोसेसर मिल जाए 695 का और बैटरी और चार्जिंग दोनों ही काफी अच्छे हो, तो डेफिनेटली आप इस फोन को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के प्राइस की, तो ये फोन आपको 6+128GB के साथ 15,999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस फोन पर भी आपको 1,000 से 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है और किसी भी ऑफर में इस फोन को आप 15,000 रुपये के प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो ये है दोस्तों इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट 5G फोन। और दोस्तों अभी जो है ऑफर आने वाला है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर, तो किस फोन पर सबसे ज्यादा ऑफर मिल रहा है और कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए ये जानने के लिए आप चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको बेस्ट फोन की वीडियो देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।